आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और एपी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार को ईडी की रेड हुई। दिल्ली में एपी नेता और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री और एपी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, भाजपा हमें दबाना चाहती है लेकिन हम डरेंगे नहीं। घोटाला हमने नहीं किया, असल में ईडी की जांच में ही घोटाला है। ईडी ने शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों में फर्जीवाड़ा किया। आतिशी ने दावा किया कि शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए जिनसे भी बयान लिए गए। उन्होंने कहा कि उनसे दबाव में बयान लिए गए हैं। आतिशी ने पूछा कि ईडी ऑडियो डिलीट करके किसे बचाना चाहती है, आपने देश कोर्ट के सामने जितने सवाल जवाब किए हैं उनमें से कितने के ऑडियो आपके पास मौजूद हैं। आतिशी ने कहा, शराब नीति मामले में ईडी का सारा केस कई आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने पर है। ईडी ने लोगों पर दबाव बनाकर बयान लिए। एक गवाह ने कहा कि इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कनपट्टी फट गई। एक विटनेस ने कहा कि अगर एपी नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो देखते ही कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। आतिशी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ईडी ने कोर्ट में जो स्टेटमेंट पेश किए वो सही है या डरा धमका कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के ऑर्डर के तहत किसी भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन कैमरे पर करना होता है, ये बात ईडी पर भी लागू होती है। एपी नेता ने कहा, विटनेस ने हमें बताया कि हमने जो बयान दिए थे और जो बात कागज पर लिखी गई वो अलग थी। ईडी ने बाद में गवाहों के फुटेज लिट कर दिए। हर विटनेस का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज ऑडियो वीडियो समेत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर आदेश दिया था। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।